हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक में। कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सैमसंग का मॉडल सैमसंग गैलेक्सी 7102 है। और देखिए मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अब आप देख पा रहे हैं, सैमसंग ग्रैंड 7102 मॉडल है ये। दोस्तों मैं इसको बता दूं, आपको बता दूं इसमें क्या कमी है। जैसे मैं इसमें चार्जर लगाता हूं तो इसमें चार्जिंग नहीं चलती है, तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे तो उस वीडियो में वो आपको बताऊंगा दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ज़रूर ही पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे पहले बोर्ड को इससे बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने चार्जिंग जो जैक है ये पहले से ही बदल लिया था। अभी मैंने वीडियो में आपको इसलिए चेंज बदल के नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले भी जैक लगाने की वीडियो बना रखी है, किस तरह से आपको हटाना है, कैसे जैक लगाना है। तो जैक तो मैंने चेंज कर लिया है, लेकिन अभी भी वही कंडीशन है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फ़ोन में चार्जिंग नहीं चल पा रही है, ये देखिए दोस्तों। मैंने इसको चार्जर को लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। ये चार्जर इसमें कनेक्ट हो चुका है, और अब मैं आपको इसके मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक करके दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर है, और इसको आप ये 20 पर सेट कर लेंगे। ये ऐसे, और दोस्तों ये आप ये जो वायर है, अब हम इन वायर को सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे जैक पे करंट आ रहा है या नहीं। तो आप मल्टीमीटर में देखते रहिएगा दोस्तों। ये हम एक वायर, ये जो पिन आती है चौड़ी चौड़ी दो, एक इस पर रखेंगे और एक इस पर रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जैक पे करंट बराबर है, और यहाँ पर हमारे बीसी कनेक्टर में भी 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आने चाहिए। वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक या तो आप ग्राउंड पर रख कर और प्लस पर लगा कर देख लेंगे, या फिर आप दोनों को एक इधर और एक इधर लगा कर देख लेंगे। यदि यहाँ पर वोल्टेज आते हैं तो सही है, वरना चार्जिंग नहीं चलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं, 0 पॉइंट कुछ है। और हम वायर चेंज करके भी लगा लेंगे। ये देखिए अभी भी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का तो हमारा प्रोसेस हो चुका है कि हमारे यहाँ पर कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, बैटरी कनेक्टर पर। तो हमें चेक करनी है हमारे वोल्टेज कहाँ तक आ पा रहे हैं। तो दोस्तों जो चार्जिंग का सेक्शन होता है, यहाँ से जैक से सप्लाई इसकी यहाँ इस एरिया में आती है चार्जिंग आईसी में। तो यहाँ पर हम इस वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या यहाँ इन कंपोनेंटों के ऊपर वोल्टेज है या नहीं इसके पास में। तो एक वायर हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पर रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप रेड भी रख सकते हैं, बस उससे इतना फ़र्क होता है कि आपका जो वोल्टेज दिखाएगा वो माइनस में दिखाएगा। यदि आप रेड ग्राउंड पर यानी अर्थ पर रख दोगे, एक प्लस पर लगाना, तो ठीक है दोस्तों इस तरह से रख लेंगे। और दूसरे हम इस कंपोनेंट पर टच करके देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जैक से प्रॉपर यहाँ से जो ट्रैक है, यहाँ तक का हमारा ट्रैक सही है, यहाँ तक भी वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। तो हम प्लस पे कैसे आवाएंगे, सिर्फ एक जंपर से हम यहाँ पर वोल्टेज आवाएंगे। मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ हमें कहाँ से कैसे जंपर लगाना है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप ये कंपोनेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज है ये, ठीक है दोस्तों। अब ठीक इसी के बराबर में एक वोल्टेज यहाँ पर कंपोनेंट लगाता है, इस पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक जंपर उठाना है यहाँ से, और वह मैं आपको बताऊँगा अभी कहाँ पर लगाना है, आपको वीडियो में दिखा दूँगा। और लास्ट में जूम करके स्क्रीनशॉट भी मैं जंपर के लगा दूँगा, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से देखकर जंपर लगा सकते हैं और अपनी चार्जिंग चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जंपर वायर होती है, आप देख पा रहे हैं, ये होती है जंपर वायर। यदि हमारे फ़ोन में कहीं से ट्रैक कट जाता है तो हम इस जंपर वायर से ही ट्रैक को ठीक करते हैं, ट्रैक को बनाते हैं। तो जंपर वायर आप इतने जंपर ले लेंगे ऐसे, फिर उस जंपर को हमें दोनों को साइडों को इसकी सोल्ड करना होता है, ये दोनों साइड। तो हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा करके और ये दोनों साइड हैं हम इन्हें सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और सोल्डिंग करने के बाद
हमको जो पहला जंपर लगाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ट्रैक इसका होता है जो कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक डाइवोर्ड आपको दिख पा रहा है, तो इसका ये पॉजिटिव होता है इधर वाला हिस्सा ये। तो यहाँ से सिर्फ इन कंपोनेंट से नहीं, ये आप ब्लैक डाइवोर्ड है ना, इसके इधर वाला पॉइंट है ये, यहाँ पर आपको बीचों बीच दिख रहा है, इससे एक जंपर उठाएंगे, यानी कि एक सप्लाई यहाँ से और जहाँ पर हमने ये लगाया था इसका, तो यहाँ से नहीं होती है वो यहाँ से सीधी, और ये कंपोनेंट पर जहाँ मैंने जंपर लगाया हुआ है, अब ये देखिए जहाँ पर ये अभी जंपर लगा हुआ है ना, ये ब्राउन कंपोनेंट के ऊपर हिस्से में, यहाँ से और सीधी इस पे होती है। तो अब हम इस ट्रैक को चेक करेंगे कि यहाँ से वहाँ पर सप्लाई जा रही है या नहीं। यदि यहाँ से यहाँ तक हमारा मल्टीमीटर सप्लाई दिखा देता है जाती है यहाँ से यहाँ तक, तो समझ लीजिए कि ये ट्रैक ठीक है, मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगा, वरना यदि नहीं जाती है तो हमको यहाँ से जंपर यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस जंपर को हटा देंगे, ये देखिए दोस्तों जंपर हटा दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, हमें ये चेक करने के लिए ग्राउंड पर इसको सेलेक्ट करना होगा मल्टीमीटर को, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ये देखिए ग्राउंड बोलते हैं इसको, सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वन आ रहा है, अब इसकी पहचान ये है, हम जैसे ही दोनों वायर टच करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर 00 शो करके बीप देने लगेगा, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे, तो हमें क्या करना है, हम एक वायर यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको ब्राउन कंपोनेंट दिख रहा है चार्जिंग आईसी के ऊपर, ये तो इसके ऊपर ले वाला जो हिस्सा है उस पर रखेंगे, और दूसरी वायर को हम, ये आपको दिख रहा है डायोड, इसके राइट साइड में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके वायर नहीं पहुँचती है तो आप कोई चिमटी वगैरह की सहायता से यहाँ पर टच कर लेंगे, तो देखिए किस तरह से मैं करूँगा दोस्तों, एक वायर को मैं यहाँ इससे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और एक वायर में यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, ये और मैंने लगा ली है, और दोस्ती में डायोड पे लगाऊंगा, और दोस्तों ये देखिए डायोड पे लगने पर यहाँ पर कोई भी बीप नहीं हो पा रही है, ये देखिए नंबर आते हैं लेकिन चले जाते हैं, वो भी ग्राउंड टच होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर कोई बीप नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ से यहाँ से हमारे यहाँ तक का हमारा जो ट्रैक है वो कटा हुआ है, तो इसमें हम एक जंपर लगा लेंगे, जंपर ऐसे ही लगाना जैसे मैंने आपको बताया था, तो चलिए वो कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और लास्ट में आप स्क्रीन शॉट में देख कर उसे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से यहाँ तक का एक जंपर ले लेंगे, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से जंपर उठा लिया, आप देखिए डाइवोर्ड से, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये मैंने डायोड से जंपर उठा लिया है, और यहाँ से उठा करके अब हमको कहाँ पर लगाना है, ये जंपर दोस्तों हमें यहाँ पर लगाना है, मैं आपको लगाकर अभी दिखा दूँगा, ये देखिए दोस्तों मैंने जंपर लगा दिया है, इसे भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आसान अच्छा दिखे जिससे आपको, ये देखिए दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं ब्राउन कंपोनेंट लगा हुआ है चार्जिंग आईसी के पास में यहाँ पर, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर मैंने इसे लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए अब एक बार देखते हैं चार्जिंग चलती है या नहीं यहाँ से, तो दोस्तों चलिए हम फिर से इसमें फोल्डर लगा लेंगे, चलिए वैसे मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ, और मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखिए फिर ये मैंने लगा दिया है, और अब मैं ये चार्जर लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने चार्जर लगा दिया है, और अब ये मैं बैटरी लगाऊंगा इसमें, ये देखिए इस तरह से मैंने बैटरी भी लगा दी है, देखते हैं कि चार्जिंग चलती है नहीं, और ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं, देखिए फ़ोन की चार्जिंग
चल चुकी है ये देखिए दोस्तों। और मैंने बोला था आपको कि इसकी बैटरी चार्ज हुई है और ये देखिए चार्जिंग चल रही है दोस्तों कितनी आसानी से। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बताया है किस तरह से आप चार्जिंग चला दोगे सैमसंग के ग्रैंड 7102 मॉडल में। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अपने चैनल पर मैं मोबाइल से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।